Hey, what's up guys? Welcome back to brand new videos. तो भाई लोग कैसे हो आप सब? तो चलिए शुरू करते हैं अंदाज़। तो यार मैं क्या बताऊँ अपनी लाइफ के बारे में, यार मैंने क्या बताऊँ, बड़ा डिफिकल्ट है यार लाइफ। तो हाँ शुरू करता हूँ मैं अपनी यूट्यूब चैनल से। तो यार मैंने 2015 में मैंने अपना यूट्यूब पहला चैनल बनाया था और उस पर थोड़ा सा फजूल शलूची जो भी मुझे आती थी बातचीत करना, आई मीन बस ढंग की बात नहीं आती थी, कुछ फुटबॉल वगैरह की कुछ तब ट्रेंड चल रहा था काफ़ी। तो मैंने सोचा क्यों ना यार थोड़ा सा काम ही कर लिया जाए, बैठे बैठे कुछ आ ही जाएगा यार, और क्या होगा। तो मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही मैंने वीडियो वगैरह उठाई, एडिट किया, एडिट शेड भी नहीं करता था तब मैं, और एडिट शेड भी नहीं किया मैंने, वैसे जैसे उठाई मैंने वैसे ही भाई लोग मैंने यूट्यूब के चैनल पर लगा दी। और भाई लोग 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे यूं स्ट्राइक आया और मेरा चैनल इसी तरह से स्ट्राइक में चला गया। तो मैं बड़ा ही परेशान हुआ कि भाई ये क्या होता है। जब मैंने देखा स्ट्राइक वगैरह का तो मुझे इतना स्ट्राइक का पता नहीं था। तो फिर मैंने क्या यार ये क्या होता है, चलो खैर खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। फिर भी मैंने अंधा रश करके मैंने फिर से अपनी वीडियो अपलोड की, फिर से फुटबॉल की मैंने की, फिर WWE की मैंने की, काफ़ी वीडियो मैंने अपलोड की भाई लोग। तो क्या बताऊँ कि मुझे इतने स्ट्राइक मिले, उस पर इतने स्ट्राइक मिले कि भाई मेरा जो चैनल था ना वो हो गया ब्लॉक। अरे बाप रे बाप रे, यार मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, शिट। तो यार एकदम से मेरा ना फट गई मेरी कि यार ये क्या हो गया। तो भाई मैंने फिर से कोशिश की, मैंने फिर से एक दूसरा चैनल बनाया और मैंने उसी पर फिर से अंतरश करके मैंने फिर से उस पर वीडियो अपलोड की और मुझे फिर से स्ट्राइक मिला, स्ट्राइक पे स्ट्राइक। तो यार मैं बड़ा ही परेशान। तो फिर मैंने पूछा किसी को यार कि भाई ये क्या होता है, उसने कहा कि भाई अपना कंटेंट डाल लो भाई, किसी का मत डाल लो, इस तरह तो स्ट्राइक ही मिलेगा ना, तो इस तरह तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, अर्न भी नहीं कर पाओगे, तो कुछ अपना लेके आओ भाई, क्या लेके आओगे। तो भाई लोग मैंने सोचा कि यार कुछ नया किया है तो फिर क्या किया जाए नया। तो मैं काफ़ी देर सोचता तब की बात बताऊँ मैं आप लोगों को, तब मैं गेमिंग इतनी ज़्यादा किया करता था, कि यार मैं क्या बताऊँ, स्कूल से आना बैग को फटैक से मारा, चारपाई पे, मंजी पे जिसे कहते हैं, मंजी पे ज़मीन पे मारा, फटैक करके मारा और जल्दी से बैठे कंप्यूटर के आगे और GTA 5 कह रहा हूँ, बल्कि GTA San Andreas और GTA Vice City इतनी खेला करता था, मैड ज़ॉम्बी इतना कुछ खेला करता था यार कि उस वक्त इतना ध्यान मेरा नहीं गया कि यार मैं अपना यूट्यूब चैनल खोला हुआ है कि इस पे ही वीडियो लगाई जाए भाई जवाब। तो भाई क्या करूं यार, इसी वजह से तो मैं परेशान हो गया, क्या बताऊं, डीमोटिवेट हो गया मैं और यूट्यूब चैनल मैंने अपना बंद कर दिया। तब मैंने काम छोड़ दिया, स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई पर मैं ध्यान ही नहीं दे पा रहा था, घर से भी गालियाँ पड़ती थी, छितर पौला होता था, डंडे पड़ते थे भाई, स्पेशली एक घर में डंडा होता था, डंडा जो स्कूल पर ना जाया करते थे तो पीछे से पिछवाड़े पर डंडे बड़ा करते थे भाई, डंडे पता ही होगा आप लोगों को। तो यार मैं बड़ा ही परेशान, तो मैं क्या करूँ यार, मुझे यूट्यूब पर आके तो बढ़ना ही था। तो काफ़ी मैंने इतना कुछ किया, तो फिर मैंने सोचा कि भाई ये तेरे बस की बात नहीं है, तू घर पर जा और आराम कर, वो तो सुकून से पिछवाड़ा ऊपर करके सो जा, तेरे को कोई पूछने वाला नहीं है। तो फिर से मैंने किया कि यार मैंने YouTube को छोड़ दिया, अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दिया, स्टडी में मैं इतना अच्छा भी नहीं था ना हूँ। तो यार इसी तरह मैंने अपना चैनल छोड़ दिया, 2016 में मैंने काम करना ही छोड़ दिया। तो फिर से मेरा ना अंदर जब मैंने मैटर अपनी क्लियर की तो मैंने सोचा यार फिर से यूट्यूब चैनल बनाऊँ। फिर मैंने इंटरनेट ही नहीं था भाई साहब, तो मैं क्या करता, इंटरनेट होता तो फिर ही मैं यूट्यूब पे वीडियो बना पाता ना यार। तो फिर से मैंने सोचा यही कि भाई करियर इसी पे भाई, बस कोई काम शाम ढूंढो अपना, यूट्यूब पे कोई भी नहीं होगा ना, लाइक सब्सक्राइब कोई भी नहीं, शेयर शूर वगैरह कोई सपोर्ट ही नहीं करता भाई, किसी को समझाने की बजाय अगले को डीमोटिवेट कर देते हैं भाई, इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ भाई, इसको छोड़ दो भाई, इस काम में पड़ोगे तो तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा, कुछ भी नहीं पड़ा भाई लोग। तो इस तरह करते हैं ना, खुद बनना है ना किसी को आगे बढ़ने देना है, तो भाई खाक में जाए ऐसे बंदे क्या करें,
क्या करें यार, उस वक्त मैं इतना डिमोटिवेट हुआ यार, मैं क्या बताऊं क्या बताऊं मैं यार आप लोगों को, बहुत ही परेशान था। फिर मैंने सोचा यार, अब मैंने सोचा कि उन्हें यूट्यूब चैनल बना लिया जाए, फिर से ग्रो करूं और अपनी जो मैं गेमिंग वगैरह खेलता हूं वो यूट्यूब पे डालूंगा, सब कुछ डालूंगा, ऊपर व्यूज आए ना आए मैं अपना काम जारी रखूंगा, मैं फिर भी कर रहा हूं भाई। तो ये मेरी थी लाइफ स्टोरी, अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, ये सब छोटी सी बात थी, अभी तो बहुत कुछ हुआ करियर में यार, बस क्या बताऊँ, अब यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, दोबारा से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और देखते हैं इधर कुछ आता है, व्यूज वगैरह तो आते ही नहीं, सब्सक्राइब तब भी नहीं थे भाई, अभी तो तब तो कुछ भी नहीं पता था, अब तो यूट्यूब बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है भाई, मेरे जितने भी थे पिछले चैनल, अब तो दोबारा से मैंने अब देखा 4 साल बाद मैंने जब देखे तो वो चैनल एकदम से उन लोगों ने, यूट्यूब वाले ने भी अंधा रश किया, अंधा रश करके मेरे जितने भी चैनल थे, 1-2 बस, वो सारे उन्होंने डिलीट मार दिए। देखा तो भाई मैं तो परेशान, खैर बातें तो होती रहेंगी भाई, क्या करें इन भोसड़ी को, क्या कहूँ भोसड़ी लोगों को। तो चले यार इतना ही काफ़ी है, मिलता हूँ भाई लोग फिर अगली वीडियो में, ओके। तब तक के लिए यार वो जी नीचे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब वाला, उसे वाइट कर दो दोबारा यार, बस इतना ही कहूँगा। लाइक तो आप लोगों को तो करना ही करना है, मैं क्या कह सकता हूँ भाई, ओके मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर गाइज़।